नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सोलन जिले की पुलिस ने परमाणु शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को 7 सेक्टरों में विभाजित किया है। जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने बताया कि नए साल को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है। 2 अतिरिक्त रिजर्व फोर्स दिन रात हाईवे पर तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए भी विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर के हर कोने पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जिला सोलन पुलिस ने जो है नववर्ष के उपलक्ष में जो है 2 रिजर्व अलग से आमंत्रित की गई है, जो तैनाती उनकी कर दी गई है परमाणु से लेकर के कंडरगार तक, और 7 जगह की बीटों को जो है पूरा डिवाइड कर देगा नेशनल हाईवे पे, और 7 बीटों पे जो है 14 आदमी जो है बाइक और गाड़ियों में तैनात होंगे, जो 24 आवर जो है पेट्रोलिंग करते रहेंगे। पर्यटकों के सुविधा के लिए ये तैनाती की गई है। किसी भी तरह जो है नेशनल हाईवे पे किसी तरह से जाम ना लगे, कोई हुल्लड़बाजी ना करे, कोई शराब पी के कोई क्राइम ना करे, इसके लिए व्यवस्थित करने के लिए पुलिस स्टेशन परमाणु, धर्मपुर, कंडा घाट और कसौली और धर्मपुर में जो है अतिरिक्त फोर्स दे दी गई है।